अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ जो है पार्ट टू शेयर कर रही हूँ एमिली लिप ग्लॉसेस का, जो कि मैंने आपको पहले 12 शेड दिखा दिए थे, वो थे 1 से लेके 12 तक शेड थे। अब जो है 13 से लेके 24 तक शेड हैं इसके, और वो न्यूड शेड थे और वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत 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 खूबसूरत शेड हैं और ये भी बहुत प्यारे हैं। आपको जैसे कि नज़र आ रही है थोड़े डार्क शेड हैं, तो वो किट ए था और ये किट बी है। तो इसके भी मैं स्वेचेस आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये किट बी है और बहुत अच्छी ये लिपस्टिक है। आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने फुल रिव्यू जो है उसमें इसका शेयर किया है। इस वीडियो में मैं आपको जो है इसके स्वेचेस दिखाऊंगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जल्दी ख़त्म हो जाए। और चले जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, लाजमी लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए। और वीडियो आएगी ही पसंद, क्योंकि वो है इतनी अच्छी वीडियो। और लिपस्टिक तो हर लड़की के दिल की मनपसंद चीज़ होती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें कि जल्दी से मेरे 1K तो हो जाएं भाई, फिर 2K 3K 4K भी कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चले जी करते हैं जी। तो पैकेजिंग इसकी बहुत प्यारी है और बहुत इसमें सेफ़ रहते हैं, गिरते नहीं हैं। तो इस तरह से इसकी पैकिंग आती है, पैकिंग भी बहुत अच्छी मुझे लगती है इसकी। और इसका जो जार है वो भी बहुत जो है मतलब मज़बूत है, अगर आप गिरेगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है तो टूटेगा नहीं। और बहुत ही प्यारे शेड हैं इसके। तो फर्स्ट जो शेड मैं आपको दिखा रही हूँ वो है 13 ब्राउन है, न्यूड शेड है, ये बहुत खूबसूरत शेड है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ 14 शेड, और ये भी बहुत प्यारा है। अच्छा, कुछ मैंने इनमें से ट्राई किए हुए हैं तो कुछ नहीं किए, लेकिन अभी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी तो ख़ुद भी देखूंगी। बहुत सारे ट्राई किए लेकिन कुछ नहीं किए। ये वाला शेड 14 मैंने नहीं ट्राई किया। तो ये पिंकिश शेड है और ये भी बहुत प्यारा है, मैं लगाऊँगी ये भी। तो क्वालिटी वगैरह का सब मुझे आइडिया है। तो ये जो है ये 15 शेड है, ये भी ब्राउन है। ये भी आपने जो है मतलब कि जो हम स्मोकी आई लुक क्रिएट करते हैं तो उसमें ये शेड ब्राउन जो है बहुत प्यारे लगते हैं। और मुझे जो है रेड जो शेड्स हैं बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ मैं बिल्कुल भी मेकअप ना किया हो तो रेड लगाऊं तो बहुत सूट करती है। मेकअप करो तो बहुत ओवर मुझे लगता है, तो इसलिए मैं मेकअप फुल मेकअप के साथ नहीं यूज़ करती। लेकिन वैसे मैं रेड शेड चाहे घर आम भी लगा लेती हूँ, तो मेकअप के साथ मुझे नहीं अच्छी लगती। बाकी ये न्यूड शेड बहुत प्यारे हैं, मेकअप के साथ यही प्यारे लगते हैं। तो साथ साथ मैं आपको शेड दिखा रही हूँ, आप देखते जाएं। बहुत प्यारा, ये भी बहुत प्यारा पिंक शेड है और ये नंबर 17 है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शेड है। और ये मैंने आप पहले भी वीडियो में बताया है, ये थोड़े से ऑक्सीडाइज होते हैं एक शेड, और वो भी जब ड्राई हो जाता है तो बहुत प्यारे होते हैं। यहाँ मैं हाथ से लगा रही थी तो मेरे हाथ से टेढ़े मेढ़े शेड लगी जा रहे थे, लेकिन शेड आपको नज़र लाजमी आ जाएंगे। ये भी बहुत ही हसीन है, लग के तो कमाल लगता है। 18 है ये और शेड, और ये 19 शेड है, और ये भी बहुत प्यारा था यार। ये भी मैंने पहले नहीं लगाया, तो मैंने देखा था तो मैंने कहा यार सुबह ही लगाऊंगी। तो ये भी बहुत प्यारा शेड है, 19 है ये, और देख सकते हैं साथ साथ शेड भी देखते जाएं। अच्छा, ये कहीं कहीं लोकल मार्केट से आपको सिंगल भी मिल जाएगा, वरना ऑनलाइन अक्सर ये जो है मिलता है। ये बहुत पसंद है मुझे भाई, शेड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं अक्सर जो है लगाती रहती हूँ। ये है, यह है आर्ची गुलाबी, जिसको कहते हैं ना आर्ची गुलाबी शेड, वो है। बहुत मज़े का शेड है, मुझे ये बहुत पसंद है लिपस्टिक्स में भी। और मेरे पास एक रिवाज की लिपस्टिक थी, उसका भी इस तरह का कलर था और वो भी बहुत अच्छी मुझे लगती थी, मेरे पास अभी भी है। तो ये भी बहुत मज़े का शेड है, बहुत प्यारा लगता है। इसकी मैं पिक्चर भी जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी, जैसे लगा कि ये लग रहा था। और ये है 21 शेड और ये भी बहुत प्यारा था। अगेन बहुत प्यारे प्यारे शेड हैं भाई, न्यूड में भी मुझे बहुत पसंद है। और ये थोड़े डार्क ऐसा ऐसा आते जाएंगे, तो ये थोड़ा डार्क है, लेकिन ये भी जो है मतलब कोई अगर शादी वगैरह वेडिंग सीज़न है तो आप शादियों पे तैयार श्यार होके ये वाला लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है शेड, ये जो है मतलब टमाटो रेड जो होता है ना, वो शेड है ये, तो बहुत प्यारा खिला हुआ रेड है।
और जिनकी नई नई शादी होने वाली है या हो गई है, अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं तो किट बी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जो है डार्क शेड हैं, तो ये जो नई नई ब्राइडल्स होती हैं उन पे बहुत सूट करते हैं। तो अगर दो लेना चाहते हैं तो दोनों ही ले लें, उनके काम आएंगे, दोनों ही बहुत मज़े की हैं। अगर एक लेना चाहते हैं तो, अगर नई नई दुल्हन है तो वो मैं रिकमेंड करूँगी ये ले, और अगर थोड़ी पुरानी हो गई है तो फिर भी ले सकती है। वैसे मैंने दोनों ले लिए, मुझे दोनों बहुत पसंद है और मैं यूज़ करती हूँ इसको। और ये लास्ट, ये भी बहुत हसीन शेड है, ये मतलब कि रेड जो है इस तरह से रेड थोड़ा सा डीप रेड कलर हो जाता है ना जो, तो वो शेड है। ये भी बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये शेड, 24 शेड है ये, और ये भी बहुत हसीन है। सब शेड ही मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, जो लगाओ वो बहुत प्यारा लगता है आप लोग। तो मैं बता रही थी कि ये मैंने वो बात रोक के दोबारा तरीफे करना स्टार्ट कर दी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपको ये सिंगल शेड्स भी मिल सकते हैं लोकल मार्केट से, और ऑनलाइन भी कहीं कहीं मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये पूरी किट ही सेल होती हैं, तो आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं। तो जी वीडियो करते हैं एंड, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक कर दें।